गाइज वेलकम बैक टू अनदर वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कश्मीर ट्रूली हेवन ऑन अर्थ। सच में क्यों इसलिए कहा जाता है इस जगह को हेवन ऑन अर्थ, वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप वहाँ पर जाओगे नहीं। सच में आप एक बार लाइफ का सबका ड्रीम होता है वहाँ पर जाना, उस जगह को जो एक्सपीरियंस करना, सच में वो बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर पूरा। सो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट खर्चा कितना होगा कश्मीर में, और आप कहाँ कहाँ रह सकते हो, और आइटिनरी क्या होगा आपका, और कितना खर्चा आएगा टोटल। तो हम लोग अपना आइटिनरी बताएंगे, हम लोग कहाँ कहाँ रहते हो, कैसा खर्चा हुआ था हम लोग का, तो इस हिसाब से जो आप अपना आइडिया लगा सकते हो कितना खर्चा हो सकता है आपको, आप क्योंकि ऊपर नीचे होता है होटल के चार्जेस और सीजन टू सीजन वेरी करता है। सो डिटेल में सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे, और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। श्रीनगर आप बाई फ्लाइट और बाई ट्रेन एंड बस जा सकते हो। दिल्ली से आपको बहुत सारे वोल्वो बस मिल जाएगा जो कि आप बुक कर सकते हो JKSRTC के वेबसाइट से, और या तो आप जम्मू तक ट्रेन में जा सकते हो और फिर वहाँ से श्रीनगर आप बस से पहुँच सकते हो। हम लोग गए थे फ्लाइट से और बहुत ही खूबसूरत सफ़र था दिल्ली से श्रीनगर तक का फ्लाइट में। सो डे वन पर आप पहुँचे श्रीनगर। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँचने पर आपका कोविड वैक्सीनेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा, जहाँ पर अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको वहाँ पर कोविड टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपको बहुत सारे टैक्सीज मिल जाएंगे अपने होटल तक पहुंचने के लिए, जिसका चार्जेस कुछ आपको 1000 रुपीज़ पड़ जाएगा। हम लोग ने पूरे 8 दिन के लिए एक कैब हायर कर लिया था, जिसका चार्जेस पर हम लोग को 16,000 रुपीज़ एयरपोर्ट पिकअप से लेकर श्रीनगर साइट सींग गुलमर्ग सोनमर्ग पहलगाम सब कुछ करके लास्ट में एयरपोर्ट ड्रॉप तक का। और हम लोग ने बुक किया था कश्मीर कार रेंटल से ये टूर। हम लोग ने अपना आइटिनरी शेयर कर दिया था ट्रैवल एजेंट से, और उसके हिसाब से वो लोग कैब का चार्जेस बता दिए थे। आप अपना आइटिनरी खुद बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज आप वहाँ पर रहोगे, और उस हिसाब से आपका कैब चार्जेस वो लोग बता देंगे। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए अलग से कैब करना है तो आप यहाँ पर दिए गए रेट्स एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स है जिसमें टोल चार्जेस वगैरह इंक्लूडेड नहीं होता है। बहुत सारे लोग डे वन पर डायरेक्ट गुलमर्ग चले जाते हैं, बट हम लोग फर्स्ट डे श्रीनगर में स्टे किए थे दल लेक के एक बोट हाउस पर, क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी थका हुआ होता है आफ्टर ट्रैवलिंग। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट डे जो है बोट हाउस पर रहिए, और इवनिंग को जो है आप शिकारा राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। तो बोट हाउस पहुँचने के लिए आपको दल लेक घाट से हाउस बोट तक फ्री पिकअप एंड ड्रॉप प्रोवाइड किया जाता है हाउस बोट की तरफ से। हम लोग रुके थे शिकागो हाउस बोट पर, जिसका प्राइस पड़ा हम लोग को 3000 रुपीज़ विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर, जो कि हम लोग श्रीनगर पहुंचने से पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिए थे फ्रॉम agoda.com। दल लेक में बहुत सारे बोट हाउस के ऑप्शंस हैं, बजट से लेकर लग्जरी बोट हाउसेस भी है, जहां प्राइसेस स्टार्ट होता है 700 से लेकर 10,000 तक भी जो है आपको बोट हाउसेस मिल जाता है। बट आप बुक कीजिए ऐसा बोट हाउस जिसमें मील्स इंक्लूडेड हो और डिसेंट हीटिंग फैसिलिटीज़ हो, क्योंकि बोट हाउस में रात को ठंड भी लगता है बहुत ज़्यादा। हम लोग का बोट हाउस बहुत ही क्लीन था और सारे हीटिंग फैसिलिटीज़ भी था, लाइक गीज़र हीटर एंड इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। और वहाँ के जो ओनर थे इजाज भाई, वो भी बहुत ही फ्रेंडली एंड वेलकमिंग थे। सो थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े दल लेक एक्सप्लोर करने के लिए शिकारा राइड में, जहाँ पहले हम लोग ने 1 घंटे के लिए बुक किया था राइड, जिसका प्राइस हम लोग को पे करना था 400। देन हम लोग ने थोड़ा और एक्सटेंड करके 2 घंटे के लिए हम लोग ने पे किया 600 रुपये। दल लेक में शिकार राइड के लिए आप थोड़ा बार्गेनिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्कैम भी हो जाता है, जहाँ वो लोग ज़्यादा चार्ज कर लेते कस्टमर से और इस तरह मैनिपुलेट कर देते कि आप भी यकीन कर लोगे और स्कैम भी हो जाओगे। वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे 700 से 800 रुपये पर पर्सन और पूरे शिकारे के लिए जो है 4000 तक भी चार्ज कर लेते हैं, बट आप जो है बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करें वहाँ पर, और 600 से 700 मैक्स फॉर 2 आवर्स, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल पे नहीं करना है। दल लेक में शिकारा राइड के दौरान आपके पास बहुत सारे वेंडर्स आएंगे चीज़ें बेचने के लिए, लेकिन आप चाहो तो खरीद सकते हो, बट उसमें भी जो है आप बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो लोग भी उसमें प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं। और अगर आपको कुछ शॉपिंग करना ही है तो आप दल लेक में मीना बाज़ार जा सकते हैं, वहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड फ्लोटिंग शॉप्स हैं, वहाँ से आप जो है शॉल्स वगैरह खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। वहाँ पर प्राइसेस भी जो है फिक्स होते हैं, 200 से लेकर जो है हायर प्राइस तक का वैरायटी ऑफ शॉल्स अवेलेबल मिल जाता है। तो उसके बाद हम लोग अपने बोट हाउस पर पहुँचे, और इवनिंग के टाइम दल लेक बहुत ही खूबसूरत लगता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर रहने के बाद। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप जो मिनिमम 2 दिन बोट हाउस पर रहें पूरा एंजॉय करने के लिए। हम लोग के बोट हाउस के शेफ़ भी बहुत अच्छे थे और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट था, वेज और नॉन वेज डिशेज दोनों अवेलेबल था,
सो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर आपको कुछ चाहिए तो बोलने से आपके लिए अलग से कुछ बना के दे देंगे। सो बहुत ही कंफर्टेबल स्टे था उस बोट हाउस पर। सोने से पहले पूरा रूम को हीट कर दिया गया था और रूम एकदम गर्म हो गया था, हम लोग को एकदम ठंड नहीं लगा था पूरा रात भर। सो डे वन का खर्चा श्रीनगर में हम लोग का कुछ आया था 3600, जहाँ पर 3000 था बोट हाउस का और 600 हम लोग ने पे किया था शिकारा राइड के लिए। सो डे टू को हम लोग गए गुलमर्ग, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है 2 रात बोट हाउस पर रहिए और डे टू में श्रीनगर सिटी एक्सप्लोर कीजिए और फिर डे थ्री को आप गुलमर्ग जाइए। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और 2 घंटा लग जाता है पहुँचते पहुँचते। गुलमर्ग तक का कैब चार्जेस आपको अराउंड 2000 पड़ जाएगा, और आप चाहो तो शेयर टैक्सी में भी जा सकते हो जिसका प्राइस आपको 150 से लेकर 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ जाएगा। और गुलमर्ग से पहले आता है तनमर्ग, जहाँ से आप लोग स्नो जैकेट्स बूट्स वगैरह ले सकते हो। हम लोग सिर्फ बूट्स लिए थे जिसका प्राइस हम लोग ने पे किया था 100 रुपीज़ पर पेयर ऑफ बूट्स का। और तनमर्ग से लेफ्ट में 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है ड्रंग वाटरफॉल्स। सो अगर आप विंटर में जा रहे हो लाइक दिसंबर से फेब के टाइम, तो आपको वहाँ पर पूरा फ्रोजन वाटरफॉल मिलेगा देखने को और बहुत ही खूबसूरत लगता है वो जगह। लेकिन अगर आप समर में जाते हो तो कोई मतलब नहीं बनता वहाँ पर जाने का, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल मैनमेड वाटरफॉल है और समर में ज़्यादा पानी भी नहीं होता है और अच्छा भी नहीं होगा। हम लोग जब गए थे मार्च में तब बर्फ़ लगभग पिघल गया था और बहुत ही कम जगह ही फ्रोजन बचा था, तो इट वॉज जस्ट लाइक ए नॉर्मल वाटरफॉल। सो उसके बाद हम लोग निकल पड़े गुलमर्ग के लिए, और तनमर्ग से स्टार्ट होता है पूरा चढ़ाई गुलमर्ग तक का, और हम लोग ने एक गाइड भी हायर कर लिया था तनमर्ग से, जहां हम लोग ने पे किया उसको 500 रुपये। नाउ गाइड लेना ज़रूरी नहीं होता है वहां पर, वो बस थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है गंडोला टिकट लेने के लिए और थोड़ा बहुत जगह के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। हम लोग को चाहिए था गाइड मेनली फॉर फोटोज एंड वीडियोस, क्योंकि ठंड बहुत होता है ज़्यादा वहाँ पर, और हम लोग के साथ तीसरा कोई नहीं था जो हम लोग को जो है फोटोज वीडियोज में हेल्प करे। और अगर आप सोलो हो और कपल हो तो आप ले सकते हो गाइड, क्योंकि इतना चार्जेस भी नहीं होता है ज़्यादा, बस 500 रुपये या तो 600 रुपये मैक्स आप दे सकते हो। सो गुलमर्ग पहुँच के हम लोग चेक इन किए अपने होटल पर, होटल अफरवत, और रूम्स बहुत ही नीट था, सारे हीटिंग फैसिलिटीज़ था लाइक गीज़र, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, हीटर, और पूरा होटल भी जो है सेंट्रलाइज हीटर था। सो होटल के अंदर एकदम ठंड नहीं लग रहा था, इवन सब जीरो टेम्परेचर में भी जो है एकदम ठंड नहीं लगा, बहुत ही कम्फर्टेबल स्टे था। और इस होटल का प्राइस हम लोग ने पे किया था 4000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। गुलमर्ग में होटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और बहुत ज़्यादा रश होते हैं, सो आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट मिनिमम 2 महीने पहले जो है आप सारे होटल्स बुक करके रखते हैं। गुलमर्ग पहुँचते पहुँचते हम लोग को लेट हो गया था, लगभग 3 बज गया था, और गंडोला काउंटर भी जो है 3 बजे बंद हो जाता है। सो उस दिन हम लोग को करने के लिए और ज़्यादा कुछ था नहीं, गंडोला हम लोग को करना था लेकिन कर नहीं पाए, तो हम लोग ने सोचा कि उस दिन स्लेज कर लेते हैं, जो कि वो लोग कुछ 4 या 5 पॉइंट कवर कराते हैं, बट उसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं लाइक 4000-5000 पर पर्सन चार्ज कर लेते हैं। सो आपको वहाँ पर बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि गुलमर्ग में लोग सबसे ज़्यादा स्कैम स्लेज राइड और स्की में हो जाते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिए हमेशा। सो आफ्टर बार्गेनिंग हम लोग ने पे किया था 1000 रुपीज़ पर पर्सन के लिए, बट गुलमर्ग जो है आप पैदल ही घूम सकते हो सारे स्पॉट लाइक इग्लू कैफे, चर्च, शिव जी का एक मंदिर भी है वहाँ पर, वो सारे स्पॉट जो है 1.5 किलोमीटर के अंदर ही है। सो आप पैदल ही घूम सकते हो और बाकी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और अगर आपको स्लेज करना ही है तो आप गंडोला फेस वन से नीचे तक आते टाइम जो है जंगल राइड कर सकते हो, वो बहुत अच्छा होता है, जो उसका प्राइस जो पड़ेगा आपको 1000 से लेके 2000 के बीच, वो आप बार्गेनिंग करके कम भी कर सकते हो, तो वो बहुत बेस्ट रहता है। और स्की बहुत फेमस है वहाँ का, पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ पर स्की करने के लिए और सीखते भी है, तो अगर आपको स्की करना है कुछ टाइम के लिए फॉर फन देन आप ज़रूर कर सकते हो वहाँ पर, लेकिन अगेन बार्गेनिंग आप ज़रूर कीजिए वहाँ पर, 700 से 800 मैक्स, इससे ज़्यादा आप मत दीजिए, वहाँ पर भी जो है आपको बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाएगा, लेकिन आप जो है बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए वहाँ पर भी। साथ में आप चाहो तो ATV राइड भी कर सकते हो, जिसका प्राइसेस कुछ 1200 रुपये चार्ज करते हैं फॉर 3 किलोमीटर राउंड। सो ये रहा डे टू इन गुलमर्ग। डे थ्री में हम लोग निकले गंडोला राइड के लिए, जिसका टिकट हम लोग का गाइड निकाल के रख दिया था, और उस दिन स्नोफॉल भी हो रहा था जिसके कारण जो पहला कुछ टाइम जो गंडोला बंद किया हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा विंड था, लेकिन फिर गंडोला खुला और हम लोग गए, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अगर गुलमर्ग आप जा रहे हो तो गंडोला मस्ट है, और गुलमर्ग का गंडोला जो है वो है वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट गंडोला, और उसका फेस वन तक का टिकट प्राइस है 740 रुपीज़ पर पर्सन, और फेस टू के लिए आपको अलग से 950 रुपीज़ पर पर्सन आपको पे करना होता है।
और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। पाइन ट्रीज के बीचों बीच से होते हुए आप जाते हो और बहुत ही शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलता है। फेस वन में भी जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ का ऑप्शन है, लाइक स्की स्लैश स्नो बाइक आप कर सकते हो। हम लोग ने किया था स्नो बाइक का शॉर्ट राइड, जिसका प्राइस हम लोग ने पे किया 1000 रुपीज़ पर पर्सन, जहाँ वन साइड आपको बाइक चलाने भी देते हैं, और अगर आप लॉन्ग राइड के लिए जाते हो K4 तक, तो आपको जो है 2000-2500 तक जो है आपको पे करना होगा, लेकिन उसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। वहाँ खाने पीने के लिए भी जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप अपना लंच भी जो है वहाँ पर कर सकते हो। एक और चीज़, अगर आप विंटर में जा रहे हो गुलमर्ग और स्नोफॉल के कारण अगर रोड्स बंद होते हैं, तो आपको तनमर्ग से स्नो चेन वाला गाड़ी हायर करना पड़ेगा गुलमर्ग तक, जिसका प्राइस आपको 1000 रुपीज़ पड़ेगा वन वे के लिए। अप एंड डाउन के लिए आपको 2000 रुपीज़ पे करना होगा पूरे गाड़ी के लिए, जिसमें 5 से 6 लोग आराम से जा सकते हैं। गुलमर्ग में हम लोग का खर्चा आया था लगभग 12000 रुपये होटल का स्टेज एक्टिविटीज लेकर। आपका थोड़ा और भी ज़्यादा आ सकता है अगर आप थोड़ा और एक्टिविटीज करते हो। ऑफ कोर्स आप करोगे ऊपर जाके स्कीइंग वगैरह, क्योंकि बहुत फेमस हुआ होगा, तो उस हिसाब से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कितना खर्चा हो सकता है। और फिर हम लोग चेक इन किए श्रीनगर पहुँच के अपने होटल पर, वलिसन होटल, जहाँ हम लोग 3 नाइट्स थे और हम लोग ने पे किया था 8000 रुपीज़ फॉर 3 नाइट्स इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। नाउ अगर आपके पास टाइम कम है और अगर आप बजट थोड़ा कम भी करना चाहते हो, तो आप गुलमर्ग से डायरेक्ट पहलगाम भी जा सकते हो। आप श्रीनगर में जो है 1-2 दिन का जो है स्टे स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास कम टाइम है। सो डे 4 में हम लोग गए सोनमर्ग फॉर ए डे ट्रिप, जहां हम लोग वहाँ स्टे नहीं किए और फिर रिटर्न हो गए श्रीनगर। श्रीनगर टू सोनमर्ग लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें आपको लग जाएगा 2.5 से 3 घंटा, और पूरा जर्नी बहुत ही खूबसूरत है। एक साइड आपको दिखेगा रिवर फ्लो होते हुए और एक साइड आपको स्नो कैप माउंटेन्स, अमेजिंग ड्राइव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। श्रीनगर से सोनमर्ग तक का कैब चार्जेस आपको 2500 से 3000 के बीच पड़ जाएगा, और आप चाहो यहाँ भी आप शेयर टैक्सी यूज कर सकते हो, जिसका प्राइस आपको 150 से लेके 200 के बीच आ जाएगा। सो सोनमर्ग में अगर आप विंटर के टाइम जा रहे हो और स्नोफॉल के कारण अगर रास्ते बंद होते हैं, तो आपको गगनगीर से जो है स्नो चेन व्हीकल लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस आपको एक्स्ट्रा 3000 रुपीज़ के आसपास कुछ पे करना होगा। सोनमर्ग पहुंचने के बाद आप वहां पर स्लेज या तो स्नो बाइक ले सकते हो थजवस ग्लेशियर जाने के लिए, जिसका प्राइस पड़ेगा आपको स्लेज में 400 से 500 रुपये। आपको फिर से वहाँ पर भी जो है बार्गेनिंग करना होगा, पहले वो लोग ज़्यादा प्राइस बताएंगे लेकिन आपको बार्गेनिंग करके कम करना होगा। नहीं 400 फिर मैंने देखना मेरे साथ, अगर 400 की मेहनत नहीं हुई ना कुछ नहीं, नहीं तो वहाँ पर बांधे आ जाते नहीं, समर में वहाँ पर घुड़े जाते हैं, आपको जगह नहीं देंगे, आप खुद देखेंगे सर सब कुछ आपके सामने होंगे, पैसा रिटर्न में यहाँ देना है। और स्नो बाइक में जाते हो तो उसमें 1000 रुपये तक आपको आ जाएगा, लेकिन उसमें जो है आपको एक पॉइंट पर जाके छोड़ देंगे और बोलेंगे खुद से आप घूम लो। तो मैं कहूँगा कि आप स्नो बाइक कर सकते हो, लेकिन अब अगर आप गुलमर्ग में ऑलरेडी कर चुके हो तो सोनमर्ग में बाइक चला के कोई मज़ा नहीं आएगा आपको, और उससे अच्छा जो है आप स्लेज में घूम सकते हो, थोड़ा कम प्राइस में भी जो है आप बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। और समर में हॉर्स राइडिंग का भी ऑप्शन होता है थजवस ग्लेशियर जाने के लिए, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा अगेन 1000 रुपीज़ पर पर्सन। एक और चीज़, अगर आप स्नो बाइक करते भी हो तो सोनमर्ग में जो है बाइक चलाने के लिए वो लोग आपको देते नहीं है, नॉट लाइक गुलमर्ग जहाँ पर रिटर्न में आप चला सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा उन लोग को बाइक चलाने के लिए, जहाँ पर वो लोग चार्ज करते 900 से 1000 रुपये भी मांग देते पर पर्सन से थोड़ा बहुत बाइक चलाने के लिए, लेकिन उसमें भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो। अगर आप स्ट्रिक्टली बार्गेनिंग करते हो तो आपका जो है बहुत कम में भी जो है काम हो जाएगा, लाइक 200 रुपये में भी जो वो लोग मान जाएंगे। सोनमर्ग में अगर आपको लोकल साइट सीइंग करना है, जहाँ पर वो लोग कुछ पॉइंट्स कवर कराते हैं, लाइक फिश पॉन्ड, सरबल पार्क, बल्टल जहाँ से अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है, वो सब करने के लिए आपको वहाँ का जो यूनियन टैक्सी हायर करना पड़ेगा, जिसका प्राइस आपको अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। और सोनमर्ग में भी जो है बहुत सारे स्टेज का ऑप्शन है, बहुत सारे होटल्स भी है, आप चाहो तो डायरेक्ट वहाँ पर जाके स्टे भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है डे ट्रिप भी करते हैं, सुबह जाकर जो है शाम तक रिटर्न श्रीनगर हो जाते हैं। डे 5 में हम लोग किए एक्सप्लोर श्रीनगर सिटी, जहाँ पर पहले हम लोग विजिट किए शंकराचार्य टेंपल और फिर सारे मुगल गार्डन्स भी एक्सप्लोर किए, चश्मेशाही, निषाद बाग, शालीमार बाग और परी महल। और सारे गार्डन्स का टिकट प्राइस जो है वो है 24 रुपीज़ पर पर्सन। गार्डन्स एक्सप्लोर करने के लिए अप्रैल के बाद का टाइम बहुत अच्छा होता है, उस टाइम पे आपको सारे गार्डन्स में बहुत सारे फ्लावर्स दिखेंगे, और अप्रैल में तुलिप गार्डन भी ओपन हो जाता है। हम लोग जब गए थे मार्च फर्स्ट वीक में, तब कोई भी गार्डन्स में फ्लावर्स नहीं थे, तो गार्डन्स के लिए अप्रैल के बाद का टाइम बहुत अच्छा होता है।
और फिर सारे गार्डन्स एक्सप्लोर करने के बाद आप शाम को एक घंटे के लिए शिकारा राइड भी ले सकते हैं फिर से, या तो आप मार्केट भी जा सकते हो लाल चौक अगर आपको शॉपिंग वगैरह करना है तो। सो डे 4 एंड डे 5 का सोनमर्ग और श्रीनगर एक्सप्लोर करने का जो हम लोग का खर्चा आया था लगभग 11,000 खर्चा आया था, जिसमें जो है ब्रेकफास्ट और डिनर हम लोग का इंक्लूडेड है और लंच का इंक्लूडेड नहीं है इसमें। सो डे 6 में हम लोग चल पड़े पहलगाम की ओर, और ऑन द वे जाते टाइम आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के दुकान मिलेंगे। सो हम लोग पहले रुके ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए। कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स केसर बहुत अच्छे होते वहाँ पर, तो ज़्यादातर लोग जो है पहलगाम जाते टाइम में जो है लेते, क्योंकि वहाँ पर जो है सब कुछ ऑथेंटिक मिलता है। आपको श्रीनगर में भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है पहलगाम जाते टाइम ही लेते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है अच्छा मिलता है। श्रीनगर से पहलगाम तक का टैक्सी चार्जेस अगेन आपको 2,500 से 3,000 के बीच पड़ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे बसेस मिल जाती है जिसका प्राइस जो है आपको पड़ेगा 250 पर पर्सन। उसके बाद फिर हम लोग रुके एप्पल गार्डन में, जहाँ हम लोग पिए रो एप्पल जूस, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। वहाँ के एप्पल बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, लाइक आपको जूस बना के देंगे आपको लगेगा कि इसमें चीनी मिला हुआ है, लेकिन वो पूरा एकदम रो एप्पल जूस होता है आपको। ऑन द वे पर रेंडमली कुछ कुछ लोगों का जो है कोविड टेस्ट भी किया जा रहा था, हम लोग का नहीं हुआ लेकिन कुछ कुछ लोगों का जो है रेंडमली वो लोग कोविड टेस्ट कर रहे थे। फिर हम लोग पहुंचे जाकर अपने होटल पर पहलगाम में, जिसका नाम था LD हट, और रूम्स भी बहुत डिसेंट था उस होटल का, जिसका प्राइस हम लोग ने पे किया था 900 रुपीज़ फॉर ए नाइट, जिसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं था, ब्रेकफास्ट और डिनर कुछ भी नहीं था। इस हट पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मिल जाता है और हीटर और किचन का ऑप्शंस नहीं है, लेकिन मार्केट बहुत क्लोज था सो फूड्स के लिए हम लोग को बाहर ही जाना पड़ रहा था। बट जो केयर टेकर थे उस हट के, मंजूर भाई, बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही वेलकमिंग थे, बहुत ही मज़ेदार थे, और हम लोग को शाम को जो है बॉनफायर का भी अरेंजमेंट किया और बहुत ही हम लोग के साथ बातें शातें किए और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पर। पीक विंटर में थोड़ा दिक्कत हो सकता है वहाँ रहना विदाउट हीटर, बट समर के टाइम आप ज़रूर रह सकते हो वहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ पर आपको, और रूम से जो है बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिल जाता है। वहाँ नॉनवेज के लिए एक रेस्टोरेंट है पैराडाइज रेस्टोरेंट, और वेजिटेरियन के लिए दाना पानी रेस्टोरेंट, दोनों ही बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ के। तो लंच के बाद हम लोग किए पोनी रेड बाइसरेन वैली जाने के लिए, जिसका प्राइस वो लोग बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं। यहाँ पर आपको जो बार्गेनिंग का हद पार कर देना होगा, वो लोग 6,000, 8,000, 10,000 तक जो प्राइस चार्ज कर देते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा वहाँ पर और आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। और फिर हम लोग ने जो पे किया था वो है 1,200 रुपीज़ पर हॉर्स के लिए हम लोग ने पे किया था आफ्टर बार्गेनिंग, और साथ में जो है आपको बूट्स भी ज़रूर चाहिए वहाँ पर, तो क्योंकि पूरा रास्ते में जब बहुत सारा कीचड़ वाला रास्ता है पूरा, तो आपका ड्रेस भी पूरा गंदा हो सकता है, तो इसके लिए जो है आप बूट्स एक ज़रूर वहाँ पर रेंट पे ले लीजिएगा, जिसका प्राइस हम लोग ने पे किया था 100 रुपीज़ पर बूट्स का। ये पूरा राइड जो है बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस राइड होता है, जहाँ आपको बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स भी मिलेंगे, कुछ कुछ जगह बहुत ही स्टिफ क्लाइंब भी होता है, सो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो वहाँ तक, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल ना जाए, आप हॉर्स में ही जाए, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और पैदल जाने से जो है आपको रास्ता भी शायद कभी भटक भी सकते हो, और आपको कीचड़ में जो है चलने में मज़ा भी नहीं आएगा आपको। फिर लगभग एक घंटे के राइड के बाद हम लोग पहुँचे बाइसरन वैली, और वहाँ से बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू देखने को मिल जाता है। पहलगाम बहुत ज़्यादा फेमस है माउंटेन्स व्यू के लिए, और बहुत ही खूबसूरत है वहाँ के लैंडस्केप। कश्मीर में जो है आपसे हर जगह पे जो है टिप मांगेंगे हर एक चीज़ के लिए, आप चाहो तो दे सकते हो या तो नहीं दे सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो है आप घोड़े वाले को जो है कुछ एक्स्ट्रा टिप दे सकते हो, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और घोड़े वालों का जो है सैलरी भी बहुत कम होता है, सिर्फ 2,500 सैलरी होता है उन लोग का महीने में, और हम लोग जो पे करते हैं 1,000-1,200 रुपये वो जाता है मालिक के पास, मालिक को देना पड़ता है। सो इसलिए जो है मालिक को आप ज़्यादा ना देकर घोड़े वाले को थोड़ा आप ज़्यादा एक्स्ट्रा दे सकते हो इसमें। तो ये था डे 6, और डे 7 में हम लोग एक्सप्लोर किए पहलगाम में आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवारी, जिसके लिए हम लोग को एक हायर करना पड़ा वहाँ का लोकल यूनियन टैक्सी, जिसका चार्जेस था 1,800 रुपये इको कार के लिए। हम लोग को एक और कपल मिल गया था अपने हट पर, जिनके साथ हम लोग ने शेयर कर लिया था कैब, तो हम लोग ने पे किया 900 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। सो इस तरह अगर आप कपल हो और सोलो ट्रैवलर हो तो आप जो है टैक्सी शेयर कर सकते हो, और इस तरह शेयर में भी घूम सकते हो। चंदनवारी, आरू वैली, बेताब वैली जाकर भी आप स्लेज कर सकते हो, जिसका प्राइस कुछ 1,000 रुपीज़ वो लोग चार्ज करते हैं, और आपको जो है आसपास के कुछ पॉइंट्स कवर करवाते हैं। हम लोग ने वहाँ जाकर कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं किया, बस थोड़ा नेचर को ही एंजॉय करके हम लोग आ गए। चंदनवारी लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, जहाँ आरू वैली फेमस है सीनिक माउंटेन व्यू के लिए, और बहुत लोग वहाँ पर जाकर रहते भी है।
क्योंकि वहाँ पे स्टेज का भी बहुत ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा लैंडस्केप भी देखने को मिल जाता है। और बेताब वैली फेमस है क्योंकि वहाँ पर सनी देओल का एक बेताब मूवी शूट हुआ था और उसके बाद से जो वो वैली बहुत फेमस हो गया था, लेकिन वो जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हम लोग को भी जो है सबसे ज़्यादा अच्छा बेताब वैली ही लगा था। फिर उसके बाद हम लोग रिटर्न हो गए श्रीनगर, जहाँ हम लोग रुके लेक व्यू होटल में, दल लेक के एकदम पास में था और उसका हम लोग ने पे किया था 2000 रुपीज़ पर नाइट का इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। में हम लोग का जो टोटल खर्चा आया था वो था 4200 फॉर 2 पर्सन। तो टोटल खर्चा जो हम लोग का आया था पूरे ट्रिप का एक्सक्लूडिंग फ्लाइट वो था कुछ अराउंड 48,000 फॉर 2 पर्सन, जहाँ ज़्यादातर होटल्स में हम लोग का ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था, सिर्फ लंच हम लोग बाहर किए थे। नाउ आप चाहो तो पहलगाम से डायरेक्ट आप रिटर्न कर सकते हो अगर आपका फ़्लाइट और ट्रेन है इवनिंग को श्रीनगर से, तो इससे जो आपका कॉस्ट थोड़ा और भी कम हो जाएगा, जो इस टोटल में मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो आप इसमें से कुछ और एक्टिविटीज़ अगर ऐड करते हो तो आपका कॉस्ट भी थोड़ा और ऐड होगा। अगर आप स्की करते हो, ऑफकोर्स आप करोगे वहाँ पर जाने के बाद, ATV राइड अगर आपको करना है, लोकल साइट सीइंग अगर करते हो सोनमार्ग में, तो वैसा अगर एक दो एक्टिविटी अगर और ऐड करते हो तो आपका कॉस्ट थोड़ा और इंक्रीज़ होगा। तो अगर आप सेम आइटिनरी फॉलो करते हो तो आपका लगभग 60,000 कॉस्ट आ जाएगा फॉर 2 पर्सन, और इसमें से जो अगर आप एक दो दिन कम भी करते हो तो उसमें जो है आपको और भी कम हो जाएगा, लाइक अराउंड 50,000 में भी जो आपका दो लोगों का ट्रिप हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है और डाउट है तो आप जो है ज़रूर कॉमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, लाइक से पता चलता है कि हम लोग का जो मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो हम लोग को भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक कीजिए अगर पसंद आए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।